Good morning, student. Myself, Raveena Dagar. Welcome back to our channel, Learning Hub, India Ka School. Today, we continue our first chapter, Maths, Class 6, Knowing About Number. नंबर के बारे में जानना या नंबर के बारे में हमारा नंबर्स के बारे में जानकारी, तो सबसे पहले चाहे इस चैप्टर में ये चीज़ हो ना हो, लेकिन जब भी नंबर की बात आती है तो हमें कुछ सिंपल सिंपल नॉलेज, हमें नंबर की सिंपल सिंपल इंफॉर्मेशन हमें नंबर की होनी चाहिए. फर्स्ट सबसे पहले होता है नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर बेटा वो नंबर होते हैं जो किससे स्टार्टिंग होती है, जिनकी स्टार्टिंग वन से होती है, यानी कि ये सब वन से लेके इन्फिनिटक तक जितने भी नंबर चलते हैं उनको क्या बोल देते हैं, वन, नेचुरल नंबर बोल देते हैं, लेकिन उनकी स्टार्टिंग वन से होनी चाहिए. नेक्स्ट आ जाता है बेटा वोल नंबर. वोल नंबर हो जाता है जिसकी स्टार्टिंग जीरो से होती है, यानी कि हमारी काउंटिंग जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, वो हमारे वोल नंबर्स में आ जाते हैं. नेक्स्ट आता है इवन नंबर. वो नंबर इवन नंबर कहलाते हैं जो टू का डिविजिबल होते हैं, जो टू से डिवाइड हो जाते हैं. नेक्स्ट ऑड नंबर, इसका अपोजिट है, वो नंबर जो टू का टू से डिविजिबल नहीं होते. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्राइम नंबर. प्राइम नंबर बेटा वो होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर हो, या तो वन या फिर वो नंबर खुद, जैसे कि थ्री. थ्री के दो फैक्टर है, एक तो वन हो गया, वन तो सभी का फैक्टर निकलेगा, लेकिन उसके अलावा थ्री ही खुद का फैक्टर है, उसके अलावा टू फोर की टेबल में थ्री नहीं आता. ऐसे ही टू क्या है, एक प्राइम नंबर है. क्यों? क्योंकि उसके दो फैक्टर है, एक तो वन है और एक वो खुद है, तो इन नंबर्स को क्या बोल देंगे, प्राइम नंबर. नेक्स्ट आता है बेटा कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर सेम एज इसका उल्टा कर दो, मोर देन टू फैक्टर, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे, जैसे कि सिक्स हो गया, फोर हो गया. आप फोर के फैक्टर करेंगे, फोर का फैक्टर क्या हो जाता है, टू हो गया, वन हो गया, फोर हो गया, तो दो से ज़्यादा फैक्टर निकले तो वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर. ऐसे ही नाइन ले लो, नाइन के फैक्टर क्या हो जाएंगे, टू हो गया, वन हो गया, थ्री हो गया, नाइन हो गया, तो ये क्या है, नाइन भी क्या है, कंपोजिट नंबर है. नेक्स्ट आता है बेटा असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ते क्रम में, जैसे कि बढ़ते क्रम से समझ में आ गया होगा कि हमें अरेंजमेंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटे से लेके सबसे बड़े तक, यानी कि बड़े तक उसको पहुंचाना है, वो क्या कहलाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम या बढ़ते क्रम में कहलाएंगे. नेक्स्ट आता है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम में. अब इसमें घटते क्रम में कोई भी बड़ी वैल्यू से नीचे छोटी वैल्यू तक आना क्या कहलाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर. जब हम स्टेयर्स को चढ़ते हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं. जब हम स्टेयर से नीचे उतरते हैं तो कहाँ आ रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, यानी कि स्टेयर्स वन टू थ्री फोर फाइव, तो वो क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर. और जब हम फाइव से फोर थ्री टू वन, वो क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर. इज इट क्लियर? अब हम करते हैं फर्स्ट आ जाता है बेटा इसमें. अब आपको चीजों को नेशनल और इंटरनेशनल सीरीज में, यानी कि नेशनल हमारी नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में अरेंज करना है. तो सबसे पहले देख लेते हैं नेशनल नंबर सिस्टम, यानी कि नेशनल नंबर सिस्टम कैसे होता है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कैसे होता है. क्लियर है? तो सबसे पहले देखते हैं नेशनल नंबर सिस्टम. बेटा सबसे पहले आता है वंस, फिर आ जाता है टेंस, फिर आ जाता है हंड्रेड, फिर आ जाता है थाउजेंड, फिर आ जाता है 10,000, फिर आ जाता है लैक, फिर आ जाता है 10 लाख, इस तरह से होता है. अगर हम इंटरनेशनल सीरीज़ की बात करें तो इंटरनेशनल सीरीज़ में कैसे आ जाएगा, इंटरनेशनल सीरीज़ में बेटा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की जो सीरीज़ है उसमें कैसे आ जाएगा, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, फिर उसके बाद 100,000 के बाद बेटा वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. तो सबसे पहले देखते हैं नेशनल और इंटरनेशनल. अब देखते हैं बेटा जैसे नेशनल नंबर सिस्टम क्या आता है. सबसे पहले वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैक, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से आगे बढ़ के फिर आता है मिलियन, 10 मिलियन, इस तरीके से ये चलता रहता है. अब इसमें वंस की वैल्यू वन, टेंस की वैल्यू टेन, हंड्रेड की वैल्यू हंड्रेड,
यानी कि जीरोज इंक्रीमेंट होती जाएगी, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से। अब ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है, ये क्या कहलाएगी? एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंशन फॉर्म। अगर यहाँ पर 4 है तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म 4 कहलाएगी, अगर यहाँ पर 2 है तो इसकी फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म में जब हम लिखेंगे ये 20 कहलाएगा, अगर यहाँ पर 6 है तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म 600 कहलाएगी, यहाँ पर 3 है तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म किस तरह से 300 कहलाएगी, इस तरह से 80,000 और फिर लास्ट में 5 लाख आ जाएगा। अब ये जो लास्ट में हमने नंबर लिखे हैं इनको कहते हैं नंबर नेम, यानी कि इसको मैथ्स में क्या बोलते हैं 4, इसको क्या बोलते हैं 20, इसको क्या बोलेंगे 600, इसको क्या बोलेंगे 3000, इसको 80,000 और इसको 5 लाख, इस तरीके से। अब कोमा का यूज़ वंस, टेंस, 100 के बाद, फिर 1000 और 10,000 की सीरीज़ ख़त्म होने के बाद, फिर लाख और 10 लाख की सीरीज़ यहाँ पर लगा लो, 6 आ जाए तो 10 लाख की सीरीज़ ख़त्म होने के बाद, इस इन इन गैप में जो कोमा है वो हमारा नेशनल नंबर सिस्टम में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसी में हमारी ये क्या फॉर्म थी? एक्सपेंडेड फॉर्म थी, ये नंबर नेम हो गया और ये इस तरह से कोमा का यूज़ हो गया। वंस, टेंस, 100, फिर कोमा, 1000, 10,000, फिर कोमा, लाख, 10 लाख, फिर कोमा, फिर करोड़, 10 करोड़, तो इस तरह से दो दो डिजिट के, फर्स्ट में 3 प्लेस पर आएगा और उसके बाद दो दो डिजिट के गैप में हमारा कोमा जो है वो नेशनल नंबर सिस्टम में यूज हो जाएगा। क्लियर है? एक्सपेंडेड फॉर्म में यानी कि जो उनकी वैल्यूज हैं उनको क्या करे जाएंगे, यानी कि जो उनकी प्लेस पर जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी एक्सपेंडेड जो फॉर्म है यानी कि खुलकर उनका लिखना वो हमारे सामने आ जाएगा, और नंबर सिस्टम में हमें नंबर में उनका नेम लिखना है कि हम 4 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 5 को क्या बोलते हैं, इस तरह से उनका नेम मेंशन करना है जो हम सीखते आए हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब आता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। ये था नेशनल नंबर सिस्टम, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, नंबर नेम और कोमा का यूज मैं आपको बता चुकी हूं। अब करते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब बेटा इसको करेंगे तो सबसे पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, नेशनल में क्या था 10,000 के बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से स्टार्ट हो जाती थी। इसमें कैसे हो जाएगा? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरह से शुरू हो जाएंगी। इनकी वैल्यूज़ है 1, 10, इस सीरीज़ में इनकी वैल्यू है। अब इनका एक्सपेंडेड फॉर्म ये है, एक्सपेंशन फॉर्म हो जाएगा और ये हो जाएगा नंबर नेम हमारा। ये बन जाएगा 50 मिलियन, यहां पर 0 है लेकिन ये सीरीज किसकी है? मिलियन की। ये बन जाएगा 80, 100, तो 800,000 और ये बन जाएगा, यहाँ पर 0 है लेकिन सीरीज किसकी है? 10,000 की। नेक्स्ट बन जाएगा 1,592, तो देखो यहाँ पर 2 था तो वो तो 2, इसको क्या बोलेंगे 90, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया 500, इसको 1000 से किया तो 1000 बन गया, इसको 10,000 से किया तो 10,000, इसको 100,000 से किया तो 800,000 की सीरीज, यानी कि इसको बोलेंगे 801,000, इस तरह से बोलेंगे। इसको मिलियन में 0 और इसको 50 मिलियन। अब इसको लिखेंगे तो आ जाएगा 50 मिलियन, इसमें कोमा यूज करेंगे तो वंस टेंस हंड्रेड, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, अगर आगे होता तो 100 मिलियन के बाद कोमा आ जाता। अब इसको बोलेंगे 50 मिलियन, 50 मिलियन, 801,000, तो 801,000 बोला जाएगा और 592, इज इट क्लियर? समझ में आया? ओके, अब इसी के अकॉर्डिंग हमारी नेशनल और इंटरनेशनल सीरीज स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज 1.1,
वो पूछ रहा है 1 लाख - 10,000, 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं? ये हमारा बेसिक था जो मैंने आपको बताया. अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स. वो पूछ रहा है 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं. तो 1 लाख कब बनता है? जब 10 में 10,000, यानी कि 10 10,000 मिलकर क्या बनाते हैं? 1 लाख बनाते हैं. नेक्स्ट में बोल रहा है 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं. तो 1 मिलियन कब बनाते हैं? जब 10 100,000 बनते हैं, तब हमारा 1 मिलियन जाके कंप्लीट होता है. नेक्स्ट 1 करोड़, 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं. तो 10 जब 10 10 लाख जुड़ेंगे, तब जाके हमारा क्या बनेगा? 1 करोड़ बनेगा. नेक्स्ट बोल रहा है 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं. तो 1 करोड़ में होते हैं 10 मिलियन. जब 10 मिलियन बनेंगे, तब जाके 1 करोड़ पूरा होगा. और नेक्स्ट होता है 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं. तो जब 10 लाख की 10 वैल्यूज होंगी, तो हमारा 1 मिलियन जाके कंप्लीट होगा. क्लियर है? 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं? 10 10,000 होते हैं. 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं? तो 1 मिलियन में 10 100,000 होते हैं. 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं? तो 1 करोड़ में 10 10 लाख होते हैं. और 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? तो 1 करोड़ में 10 10 मिलियन होते हैं. और 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं. इज इट क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड. प्लेस कोमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स. 73,75,307. ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा हम करेंगे कल कंटिन्यू. इज इट क्लियर?